हेलो क्लास टेंथ, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। तो आज था सीबीएसई क्लास टेंथ का मैथ का पेपर और मेरे पास है मैथ का स्टैंडर्ड पेपर सेट वन, और हम देखेंगे कि इस पेपर में जो हमारे एमसीक्यू आए हैं उनका करेक्ट आंसर क्या है। तो आप सभी के सभी अपना पेपर निकाल लो और चलते हैं एमसीक्यू के करेक्ट आंसर्स पर। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पर। हमारे पास ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का के रूट एक्स प्लस वन इज रूट टू, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें बताना है के की वैल्यू क्या होगी अगर हमारे इस पॉलिनोमियल के जीरोज का जो सम है वो क्या होगा, रूट टू। तो अगर आपने इसका आंसर टू लगाया है बी, तो ये होगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन, मतलब फर्स्ट का आंसर क्या है आपका टू। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया है सेकंड। ये कह रहा है कोई प्लेयर है उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.79, तो हमें बताना है उसके लूज हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्या करना है आपने, 1 में से 0.79 को माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 0.21। इसका मतलब सेकंड का जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है, बिल्कुल सही। तो आप सब जितने भी बच्चों ने सेकंड का डी लगाया है तो उनका पूरा सही है, पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे उनको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके जो जीरोज हैं वो रियल और इक्वल हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो जब जीरोज इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होता है। इस कंडीशन में हमारा जो सिर्फ ऑप्शन सी लग रहा है वही क्या होगा सही। यहाँ पे आप इसको इधर भेज दोगे तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर ए सी के, तो आपका थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, सी, करेक्ट आंसर सी। चलते हैं फोर्थ पे। आपके पास एक एपी है, एपी की फर्स्ट टर्म 7 है, nth टर्म 84 है और इसकी n टर्म का सम क्या है 2093/2। आपको बताना है n की वैल्यू क्या होगी। तो आप सिंपल सा इसके अंदर क्या करें, अपना फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला एस एन इज इक्वल टू में एन बाई टू और a प्लस ए एन, ये होता है sn की जगह ये वैल्यू रखनी है आपने, n की वैल्यू हमें निकालनी है, a की जगह 7 रखना है और n की जगह क्या रखना है आपने 84। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23, मतलब जो फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी है ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन। हमारे पास p दे रखा है 18a² और b q दे रखा है 20a³b². हमें बताना है इसका LCM क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आप डी है 180a³b⁴, ये क्या होगा इसका, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये थे आपके पहले 5 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है हमारे पास AD जो है वो ABC ट्राइंगल की मीडियन है और हमें ABC वर्टिसेस इसके दे रखे हैं। हमें बताना है लेंथ AD क्या होगी। तो आप अगर इसमें सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता ही है मीडियन हमारी जो साइड होती है उसको बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो आपका जो ये डी पॉइंट होगा वो 3-2 आ जाएगा। इसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 68। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर ए है 6th का ए, ये क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 7 sec थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू m है। आपको बताना है sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपने सिंपल आइडेंटिटी याद रखनी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां पे आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको जो इसकी वैल्यू मिलेगी ये होगी आपकी 1/m। तो आपके 7 का आंसर होगा 1/m, करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारे पास ये डाटा है, ये कह रहा है इस डाटा में से हमने सभी इवन नंबर को रिमूव कर दिया, तो 2 हट गया और 16 हट गया। आप कितने बचे, 1, 2, 3, 4 और 5 बचे। इसमें हमको बताना है प्राइम नंबर, तो इसमें सिर्फ प्राइम नंबर क्या बच रहा है, 7 ही बच रहा है। नंबर हमारे पूरे थे 7, 2 हटा दिए बचे 5 और प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी 1/5 और यही हो जाएगा हमारा सही इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हमारे पास कुछ डाटा है xi, x1, x2 और xn, ये हमारे पास डाटा है और इसकी फ्रिक्वेंसी है f1, f2, fn तक। हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी इस वाली चीज की। तो आपको जो इसकी वैल्यू निकलेगी इसका आंसर जो होएगा, करेक्ट आंसर ये होएगा आपका a, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x mean। तो ऑप्शन नंबर 9 का क्या होगा, फर्स्ट जो होगा वो बिल्कुल सही होगा।
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ पे। क्वेश्चन नंबर टेंथ में हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है और कह रहा है कि इसके जो जीरोज हैं वो इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, डबल हैं, ट्वाइस हैं, हमें बताना है पी की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा आपका 5/4, उसको आप डबल कर देंगे तो इस तरीके से आपका क्या होएगा, इसमें आंसर निकल जाएगा और आपका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 5/2, आपका होएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 5/2। नंबर 11 में हमें इन दो पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है 15 है, हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो 11th का अगर आपने बी लगाया तो आपका पूरा सही है। चलते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन पे। cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, हमें बताना है cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो cos 90 क्या होता है हमारा, 0 होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। अब हम उसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 45, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/√2। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, 1/√2। इसके बाद चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसको दो हेमिस्फीयर में काट दिया, इसके बाद हमें रेशो बताना है सरफेस एरिया स्फीयर का और दोनों हेमिस्फीयर का। तो सीधी सी बात है, हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो 2πr² होगा, दोनों सरफेस लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, और स्फीयर का होता है 4πr², तो 4πr² अपॉन में 4πr² सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1:1। इसके बाद चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा, किसी भी डाटा की जो मिडल मोस्ट जो ऑब्जर्वेशन होती है उसे आप क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, मीन कहते हैं, मीडियन कहते हैं या फिर डेविएशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मीडियन, हम उसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो 14 का बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आपसे बोल रहा है कि एक वॉल्यूम बताना है लार्जेस्ट कोन का जो एक कोन के अंदर आ जाए, जिसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी, एक क्यूब के अंदर आ जाए जिसकी साइड कितनी होगी हमारी, 2 सेंटीमीटर। तो इसमें आप सिंपल सी बैठता है, रेडियस क्या हो जाएगा, डायामीटर 2 हो जाएगा, तो डायामीटर का हाफ कर दोगे तो 1 हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगी, 1। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3πr², आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा सी। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8π/3 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास दो डाई हैं और उन डाइस पर जो दोनों का जो सम हो वो 2, 3 और 5 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 होता है 1, 1 पे, 3 होता है हमारा 1, 2 और 2, 1 पर, और 5 होता है 1, 4, 4, 1, 2, 3 और 3, 2, मतलब कुल मिलाकर 7। तो 7/36 ऑप्शन ए आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ये 20 और डायामीटर का एक एंड है 60, बताना है दूसरा एंड क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखी है और बोल रहा है कि जो ये ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का ये कंसिस्टेंट है विद यूनिक सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट है विद इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस। तो अगर हम इन लाइंस को ध्यान से देखें तो ये लाइन यहाँ पर तो इनका गैप ज़्यादा है और आगे गैप क्या है, कम है। अगर हम इनको आगे बढ़ाएं तो ये क्या हो जाएगी हमारी, आगे जाके कटेंगी, तो क्योंकि लाइन है, लाइन तो आगे भी प्रोड्यूस करी जा सकती है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। अब हमारे पास आते हैं हमारे एसर्शन रीजन वाले पार्ट, क्वेश्चन नंबर 19। द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायामीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही बात है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, डायामीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोण, ये भी हमारी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, क्या पैरेलल का इसके बीच में कोई भी रिलेशन है, नहीं है रिलेशन, मतलब एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, मगर इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन की। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 19 का बिल्कुल सही। If the graph of a polynomial touches x-axis at only one point, then the polynomial cannot be quadratic polynomial. तो ये आपकी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, अगर कोई भी ग्राफ x-axis को सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटता है तो वो कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। ए पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री एन कैन हैव एट मोस्ट एन जीरो, और ये भी बात क्या है, बिल्कुल ट्रू, किसी पॉलिनोमियल की जितनी
डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं या उतने या उससे कम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये बिल्कुल बात ट्रू है, दोनों के दोनों हमारे क्या है ट्रू है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनमें भी कोई भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे की, तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा। तो ये था बच्चों आपका मैथ्स का पहले सेट का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के पहला सेट, जिसके एमसीक्यूज हमने डिस्कस करे। आप सारे बच्चों के एमसीक्यूज अच्छे से अच्छे गए हों और सभी के ज़्यादा से ज़्यादा सही हों। इसी के साथ सारे बच्चों को गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेट 2 के एमसीक्यू आंसर के साथ।